Hello viewers, how are you all? I hope all is well. I am Salman Harik. Welcome to my YouTube channel, Salman Rock. Before I start my video, I request to you, please subscribe my channel and press the bell icon. Ark Encounter must be Akida or theme park hai, jo USA Grand Country mein Kentucky mein 2016 ko tamir kiya gaya. ये कश्ती पार्क के मरकज़ की एक बड़ी नुमाइंदगी है जो हज़रत नूह की कश्ती की बुनियाद पर जैसा कि कलाम मुकद्दस में पैदाइश की किताब में पेशन गोई की गई है। ये कश्ती 510 फीट यानी 155 मीटर लंबी है, 85 फीट यानी 26 मीटर चौड़ी और 51 फीट यानी 16 मीटर ऊंची है। हज़रत नूह की कश्ती का मॉडल 7 जुलाई 2016 को मुकम्मल करके ज़ायरीन के लिए खोला गया। कश्ती में 132 पिंजरे शामिल हैं, हर एक के साथ एक खिड़की है जो 18 फीट ऊंची है और इसे तीन डकों में तरतीब दिया गया है। ज़ायरीन सबसे पहले डक पर दाखिल होते हैं और कश्ती के बीच से बने हुए रैंप पर डकों के दरमियान पहुंच जाते हैं। पहले डक पर मौजूद पिंजरों में कुछ जानवरों के मॉडल शामिल हैं जिनके बारे में ख्याल है कि ये जानवर कश्ती में हो सकते हैं। नुमाइश के अंदर कोई जानदार जानवर नहीं है। मॉडल्स का मकसद जानवरों की इकसाम की नुमाइंदगी करना है जिससे सैलाब के बाद जदीद जानवरों को जन्म मिला। अबरानी बाइबल में मौजूद जंगली जानवर का जिक्र है जो दूसरे डेक में नूह की वर्कशॉप के सामने शोकेस में मुंसलिक किया गया है और उसके साथ साथ जानवरों के मजीद मॉडल भी शामिल हैं। तीसरे डेक पर मौजूद खिड़कियाँ ऐसी नुमाइश के ख्याल की अक्कासी करती हैं जैसे सैलाब के दौरान कश्ती के अंदर और बाहर हवा गुजारने के लिए तामीर किया गया हो। तीन खलीजों में दिखाए जाने वाले 40,000 से ज़ायद बाइबल के कदीम नमूने शामिल हैं जो म्यूज़ियम ऑफ बाइबल को फ़रोग देते हैं। एक ग्रीन फैमिली जो एक अमरीकी ताजर और आर्टिस्ट हैं, उनके ज़रिए वाशिंगटन DC की तवज्जो का मरकज़ बने जिन्होंने आर्क एनकाउंटर की तामीर में अतिया किया था। बाइबल के मुताबिक सैलाब से पहले दुनिया के गुनाहगार हालात को जाहिर करते हुए दिखाए जाने वाली नुमाइशों की दर्जा बंदी की गई है जिसमें एक पुजारी भी शामिल है जिसमें एक नामालूम सांप देवता के लिए एक नौजायदा बच्चे की कुर्बानी दी जा रही है और खुशी के मैदान में एक देवता और डायनासोर से लड़ते हुए लोग शामिल हैं जिसे इस कश्ती की सबसे यादगार नुमाइश समझा जाता है। कंक्रीट टावर की सीरीज़ के ज़रिए कश्ती को ज़मीन से 15 फीट ऊपर रखा गया है। कश्ती की दाखली रसाई साइड जिसको स्टार बोर्ड कहा जाता है 80 फीट तामीराती टावर में जम हो जाती है जिसमें सीढ़ियां, लिफ्ट और रूम्स शामिल हैं। एम ज़ारा किचन पार्क में वाकया एक दो मंजिला बुफे स्टाइल का रेस्टोरेंट है जिसमें 1500 मेहमानों की गुंजाइश है जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट बना देता है। नूह की ज़िंदगी के दिन सैलाब से पहले दुनिया में रहना कैसा था, उनके पास किस किस्म की टेक्नोलॉजी थी। अगरचे पैदाइश 5:29 में यूं लिखा है और उसने उसका नाम नूह रखा और कहा कि ये हमारे हाथों की मेहनत और मशक्क़त से जो ज़मीन के सबब से है जिस पर खुदा ने लानत की है हमें आराम देगा। नूह के इब्तदाई दिन नूह की जवानी में शायद इसके कुछ खुदा परस्त असरात थे, ख़ास तौर पर अपने वालद अलमाक और दादा मुतसला से और उसके वालद के अल्फाज इशारा करते हैं कि उन्होंने एक फार्म पर काम किया। हमारे पास शक करने की कोई वजह नहीं है कि नूह के ज़माने में टेक्नोलॉजी ज़िंदगी का बाकायदा हिस्सा थी। दरहकीकत बाइबल सैलाब से पहले लोगों को मौसीकी के साजो सामान बनाने और कांसी और आयरन से औजार बनाने की वजाहत करती है। पैदाइश 4:22 से जैसा कि नूह के दिनों में था, यहाँ तक कि नया अहदनामा भी हमें नूह के आयाम के बारे में बताता है। लूका 17:27-28 में कहा गया है कि लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी उस दिन तक जब नूह कश्ती में दाखिल हुआ और तूफान ने आकर सबको हलाक किया।
لیکن نوح کو فضل ملا اپنے آس پاس کے لوگوں کے برعکس۔ نوح نے خدا کو راضی کیا اور خدا نے نوح کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، وہ کہ اس کو، اس کے کنبہ کو اور زمین کو بھرنے کے لیے کم سے کم دو قسم کے مخلوق کو بچایا۔ اگرچہ نوح کے پاس پہلے سے کارپینٹری یا جہاز سازی کی مہارت موجود نہیں تھی، جب تک وہ اس تین منزلہ شاہکار پر سوار ہوا اس وقت تک وہ ماہر تھا، کیونکہ اس نے اسے انتہائی عقیدت سے تعمیر کیا تھا۔ عبرانیوں 11:7 کشتی کی تعمیر کو ختم کرنے میں شاہد کئی دہائیاں لگیں۔ ہم نہیں جانتے کہ کتنے لوگوں نے نوح کو کشتی بناتے دیکھا، مگر کچھ لوگوں نے بناتے دیکھا، لیکن یقیناً کشتی بنانے کا کام دہائیوں سے کیا گیا، جس طرح سائز نے اسے ناقابل تسخیر بنا دیا۔ بائبل نوح کو راسبازی کا منات کہتی ہے۔ پترس کا دوسرا عام خط 2:5، نوح نے سیلاب آنے سے پہلے لوگوں سے نجات کی درخواست کی۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی دس ویڈیو۔ گاڈ بلیس یو اینڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ گڈ بائے۔